birth in human first the contents gestation period parturition relaxing hormone adenocorticotrophic hormone stimulation oxytocin birth and after birth stages of labor and parturition first the gestation period so gestation period is actually the time span when which an embryo or the fetus spends in the mother's body सिंपली हम कह सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जयगोड बन जाता है और उसके बाद एम्ब्रियो की जो इंटरनल जितना प्रोसेस एम्ब्रियो या फिर फिटनेस जो है अपनी मदर के बॉडी के अंदर गुजारता है दैट इज़ एक्चुअली द गेस्टेशन पीरियड फॉर ह्यूमन फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द फोर्टी वीक्स आर टू एटी डेज सिमिलरली फॉर अदर मैनी एनिमल्स डिफरेंट मैमल्स के लिए ये गेस्टेशन पीरियड वेरी करेगा द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड इज़ फॉर द एलिफेंट दैट विच इज़ अबाउट ट्वेंटी टू मंथ्स The parturition. Parturition is basically the process of birth, so we can define that it is the process by which the baby comes out from the uterus of mother or the from the birth canal. So during parturition, the embryo, it is actually the fetus, it is actually present in the uterus. So at the time of birth, this the baby it comes out through birth canal out of the mother, and this whole process of

जो डिफरेंट इसके इवेंट्स हैं सबसे पहले बर्थ से पहले, पहले यानी जब 38 एट वीक्स अब ऑलमोस्ट होते हैं तो द फिटस इट इट्स पोजिशन जो फिटस है जो अभी जिसकी यंग वन की बर्थ होनी है उसमें तो वो सबसे पहले अपनी पोजिशन अटेन करेगा पोजिशन का पैटर्न ये है कि जो हैड है इट हैज़ टू कम आउट फर्स्ट तो इसलिए सबसे पहले हेड जो है ये यूट्रस में इस तरह से अलाइन होगा कि जब बर्थ स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हेड विल कम आउट ओके द नेक्स्ट वन अब पोजिशन अटेन करने के बाद नाउ देर द टर्न फॉर हारमोन्स अब हारमोन्स जो हैं वो क्या करेंगे वह ऐसा आसा अपना रोल प्ले करेंगे दर्स्ट हारमोन विच इज इन्वाल्व इन द बर्थ प्रोसेस दैट इज द रिलेक्सन हारमोन रिलेक्सन हारमोन बेसिकली मदर का जो पिचुटरी ग्लैंड है इट्स अट रिलेक्सन हारमोन्स रिलेक्सन हारमोन एक्चुअली डायलेट्स द बोन्स तो ये क्या करेगा जो बोन्स हैं जो पिबिक बोन्स हैं उनको डायलेट करेगा जिसकी वजह से द फिटर्स आर द न्यू वन इट कैन कम आउट थ्रू द बर्थ कैनल क्योंकि अगर बोन्स अपनी पोजिशन पर रहेंगी तो फिर उस में जो है वो नॉर्मल बर्थ पॉसिबल नहीं होती है बहुत सारे केसेस में जो डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं वो उसमें एक आम रीज़न ये भी करते हैं कि जी जो बोन्स हैं वो अपनी जगह से डिसोकेट नहीं है थोड़ी रिलैक्स नहीं हुई हैं तो इट मीनस बर्थ से पहले जो प्यूबिक बोन्स हैं उसका अपनी जगह से क्या होना चाहिए थोड़ा सा जो है वो डिसलोकेट या डिसप्लेस होना जरूरी होता है उसके डिसलोकेट होने का ये होगा कि जब थोड़ी सी बोन्स अपनी असल पोजिशन से पीछे हटेगी तो देन द स्पेस विल बी क्रिएटेड तो इसे स्पेस क्रिएट होगी यहाँ से यंग वन या बेबी जो बर्थ कैनल के थ्रू जाओ बाहर आ सकता है तो फर्स्ट हार्मोन इज द रिलेक्सन जो एक्चुअली बोन्स को क्या कर रहा है डायलेट कर रहा है या उसको डिसलोकेट कर रहा है सेकेंड इंपॉर्टेंट हार्मोन इज द एड्रीनोकॉर्टिकोट्राफिक हारमोन एड्रीनोकॉर्टिकोट्राफिक हारमोन ये बेसिकली मदर नहीं बल्कि जो फिटनेस है ये रिलीज करता है तो सबसे पहले जो ड्यूरिंग द अगर हम इसे देखें जो बर्थ के दौरान जो फीटस का जो पिचुट्री ग्लैंड है इट विल रिलीज रिलोकॉटिकोट्रोफिक हारमोन एडिनोक्रोटिकोट्रोफिक हारमोन द एड्रीनल ग्लैंड ये फीटस के यानी बेबी के जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको इफेक्ट करेगा जिसकी वजह से जो हैं दे विल रिलीज द स्टीरॉयड हारमोन दारमोन दे प्लेसेंटा टू रिलीज द प्रोस्टा प्रोस्टागलैंड हारमोन आज प्रोस्टागलैंड सो अगर हम सिक्वेंस देखें तो इट मीन्स के बर्थ में जो यंग वन है या फिटसाइट इज आल्सो प्लेइंग इट्स रोल अपना रोल प्ले कर रहा है स्टिम्यशन कैसे होगी सबसे पहले फिटस का पिचुफ्री ग्लैंड जो है इट विल रिलीज द एडिनोक्रोकार्टोट्राफिक हारमोन ए सी टी एच दिस एडिनोक्रोटिकोट्राफिक हारमोन इट विल कम टू द किडनी ऑफ द यंग वन ये फिटस के किडनी में आएगा उसके ऊपर जो एडीनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से एडीनल ग्लैंड जो स्टीरोड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा फिर ये स्टीरॉयड हार्मोन जो है इट विल इफेक्ट प्लेसेंटा ये प्लेसेंटा को इफेक्ट करेगा और प्लेसेंटा फिर क्या करेगा प्रोस्ट्राग्लैंड प्रोड्यूस करेगा प्रोस्टाग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर बर्थ जो है उसके में रोल प्ले करेंगे सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिस द सेकेंड इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोस्टाग्लैंड वो है जो प्लेसेंटा से रिलीज हो रहे हैं सेकेंड वन इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिलीज बाय द मदर मदर के जब जो फीटस है जब मदर के यूट्रस में जो कि जब यूट्रस में जब बर्थ से पहले जो है वो जो फीटस है उसके प्रेशर की वजह से जो है वो यूट्रस के ऊपर स्ट्रेच क्रिएट होगा स्ट्रेच की वजह से प्रेशर की वजह से जो पिच्यूटरी ग्लैंड है मदर का इट विल सेक्रिएट ऑक्सीटोसिन हार्मोन अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन

एक घंटे से लेकर कई घंटों तक इसका जो ड्यूरेशन हो सकती है सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मस्कुलर कंट्रैक्शन, इट विल इंक्रीज इट विल इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी जिसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी देन वट विल हैपन जब ये मस्कुलर कंट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली द यंग वन विल कम आउट फ्राम द बर्थ कैनाल बर्थ कैनाल से यंग वन आउट हो जाएगा ऑलमोस्ट वन आवर लगता है इसके बर्थ के प्रोसेस में एक जो है वो मसकुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट होने से एक घंटे के बाद या वो बर्थ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है या बर्थ हो जाती है वंस द बेबीज हैव कम आउट तो बर्थ हो गई अब सेकेंड इवेंट स्टार्ट होगा सेकेंड इवेंट ये है कि जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है वो कंटिन्यूस रहती है तो अब जो प्लेसेंटा है इट विल आल्सो कम आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर जो प्लेसेंटा है वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाएगा प्लेसेंटा के बाहर आने को हम आफ्टर बर्थ का नाम देते हैं यहाँ अगर हम देखें तो ओवरऑल वी कैन डिवाइड द प्रोसेस ऑफ बर्थ इन टू थ्री स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज इज द डायलेशन स्टेज पहली बार पास डायलेशन स्टेज है जिसमें जो वजाइना है इट विल डाइलेट इसके अलावा जो पीबिक बोन्स हैं दे विल पोजिशन से क्या करें थोड़ी सी डिस्प्लेस होंगी सेकेंड पोजिशन पैटर्न इज द बर्थ जो सेकेंड हमारे पास जो इवेंट है इट विल बर्थ बर्थ के दौरान द फिटनेस आर द यंग वन विल कम आउट एंड द थर्ड वन इज एक्चुअली द आफ्टर बर्थ during which the placenta will also come out from the body.